हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आपने विजिटिंग कार्ड बहुत बनाते हुए देखा होगा, वो आपने देखा होगा कोरल ड्रॉ के अंदर, फोटोशॉप के अंदर। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। विजिटिंग कार्ड आप जानते होंगे, जब हम किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, एड्रेस किसी कार्ड के रूप में देते हैं तो उसे हम विजिटिंग कार्ड बोलते हैं। तो ये खूबसूरत विजिटिंग कार्ड हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। तो व्यूअर्स, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल की जरूरत होगी, जो कि मिलेगा आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर। यहां शेप में आप जाएंगे तो यहां कई तरह के ये शेप दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसका साइज जो होता है विजिटिंग कार्ड का, वो 3.5 बाय 2.25 इंच का रहता है। तो इसका हम साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो साइज डिफाइन करने के लिए यहां पर हमें आना होगा। यहां पर इसकी हाइट और विड्थ दोनों दे सकते हैं। ये अभी सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन आप यहां पर इंच में डाल सकते हैं। तो इसकी जो हाइट रहती है वो 2.25 इंच रहती है, यानी 2.25 इंच। तो इंच के लिए हमें ये वाला साइन लगाना होगा, तो ये इंच में ये मेजरमेंट कर लेगा। इसी तरह से इसकी जो विड्थ है वो हमें देनी होगी। विड्थ रहती है 3.5 इंच। इंच के लिए ये साइन लगाया, एंटर प्रेस किया, तो जो हमने साइज लिया है, जो रेक्टेंगल लिया है, वो 2.25 बाय 3.5 इंच का हो गया है। इसका कलर हम यहां से हटा लेते हैं। शेप फिल के अंदर जाएंगे यहां पर, और यहां से इसको नो फिल कर देते हैं। अब इस शेप में हमें एक डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए एक रेक्टेंगल की हमें और जरूरत होगी। तो वहीं से हम लेंगे, इंसर्ट के अंदर शेप में जाएंगे और यहां से एक रेक्टेंगल और ले लेंगे, इसका हाफ यहां तक। लेकिन जिस तरह की डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा इसके जो पॉइंट्स हैं इनमें हमें एडिटिंग करना होगा। तो इसके लिए हमें जाना होगा एडिट शेप के अंदर, और इसमें लेंगे हम एडिट पॉइंट्स। जैसे ही ये लेते हैं तो यहां पर ये पॉइंट्स बन जाते हैं, इनको आप एडिट करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से यहां पर सेट कर लिया ये, और इसका जो बॉर्डर है या आउटलाइन है, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं। तो इसके लिए यहां जाना होगा शेप आउटलाइन में, और यहां नो आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा अभी डिजाइन बना। अब एक रेक्टेंगल हम और लेंगे छोटा सा, क्योंकि हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसके लिए यहां पर जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको एक दूसरे कलर से फिल कर देते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। आउटलाइन इसका हम नो आउटलाइन कर देते हैं, और एडिट शेप में एडिट पॉइंट से इसको हम एडिट कर लेते हैं। ये हमने एडिट करके इस तरह से ले लिया। अब यहां पर किसी भी पार्टी का नाम रहता है, या तो आप यहां डाल सकते हैं नाम, या फिर यहां डाल सकते हैं, तो हम यहां पर डालेंगे। तो नाम डालने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स की हमें जरूरत होगी, जो कि आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर। यहां पर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो इसके अंदर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर ड्रैग करके जितना बड़ा आपको नाम चाहिए उतना टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रैग कर लेंगे, और यहां पर कोई भी नाम लिख देंगे। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम अपना नाम लिख रहे हैं। यहां पर हमने अपना नाम लिख दिया, और ये जो बॉक्स है इसमें अभी ये व्हाइट कलर आ रहा है, तो शेप फिल के अंदर जाके यहां नो फिल कर देंगे, और इसका जो आउटलाइन है इसको नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद ये जो नाम है इसका स्टाइल चेंज करना है, तो होम टैब के अंदर यहां
फॉन्ट स्टाइल में जाके जो भी फॉन्ट स्टाइल लेना चाहें वो आप यहां से ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ये फॉन्ट है एमबी वोली करके, इसको हम ले लेते हैं। यहां थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, तो ये नाम हमने सेट कर दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं यहां से, ये हमने कलर चेंज कर दिया। स्टाइल चेंज करना है तो यहां टेक्स्ट इफेक्ट पर जाके जो भी स्टाइल लेना है, जैसे हमने ये वाला स्टाइल ले लिया तो ये हमारा नाम ऐसा स्टाइल में हो गया है। अब यहां पर हमें फोन नंबर चाहिए, तो फोन नंबर के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत होगी। तो इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पर गए, यहां पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पर फोन नंबर ले लिया। तो फोन नंबर के लिए आपने देखा होगा कि फोन नंबर में पहले एक टेलीफोन का सिंबल रहता है, तो वो सिंबल हम कहां से लेके आएंगे, उसके लिए भी हमें इंसर्ट के ही अंदर जाना होगा और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बहुत तरह के सिंबल यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसमें टेलीफोन का भी सिंबल है। अगर ये सिंबल यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मोर सिंबल के अंदर भी जा सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपको बहुत तरह के सिंबल्स की लिस्ट दिखाई देगी। ये देखिए कई तरह के यहां सिंबल आप देख पा रहे हैं, इसमें से ये हम टेलीफोन का सिंबल सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इंसर्ट पर क्लिक कर लेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये देखिए टेलीफोन का सिंबल यहां पर आ गया है। अब यहां कोई भी नंबर दे देते हैं, ये हमने कोई भी एक नंबर दे दिया है। नंबर हमने इसलिए पूरा नहीं लिखा है सिक्योरिटी की वजह से। अब इसका भी हम बॉर्डर हटा देते हैं और शेप फिल के अंदर जाके इसको नो फिल कर देते हैं और शेप आउटलाइन में जाके इसका नो आउटलाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास फोन नंबर भी आ गया। अब बीच में किसी भी कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम हम लिखेंगे, तो जैसे हमने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया तो उसके लिए इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स यहां पर भी लेना होगा। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसको भी इसी तरह से यहां पर ड्रैग कर लिया और यहां ये एक इंस्टीट्यूट का हमने नाम लिख दिया। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज बढ़ा सकते हैं, होम के अंदर जाके ये साइज बढ़ा दिया। और इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो स्टाइल लेंगे वो लेंगे एरियल ब्लैक, ये थोड़ा मोटा फॉन्ट है, देखने में अच्छा लगता है, साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। और फॉर्मेट के अंदर इसका भी हम नो फिल और नो आउटलाइन इस तरह से कर देते हैं। अब इसकी एक और कॉपी चाहिए, इसके नीचे कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी के द्वारा, या फिर कंट्रोल की के साथ माउस का बटन दबाते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका एक और डुप्लीकेट इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर ये हमने लिख दिया है, इसका भी हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो होम के ही अंदर यहां पर इसको हम ले लेते नॉर्मल एरियल, एरियल ब्लैक की जगह ये नॉर्मल एरियल ले लिया, साइज थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया और इसका जो स्टाइल है हम इस तरह से कर सकते हैं। ये इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अब इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम वहीं इंसर्ट के अंदर शेप पर जाएंगे और यहां से एक लाइन ले लेंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। इस लाइन की विड्थ बढ़ाना है तो शेप आउटलाइन पर जाएंगे, यहां पर ये इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहां से इस तरह से ये कलर ले सकते हैं। इसके बाद कॉपी पेस्ट करके इसकी एक और डुप्लीकेट लाइन बना सकते हैं। ये देखिए हमने एक और डुप्लीकेट लाइन बना ली और कीबोर्ड के एरो की के माध्यम से इसको आप धीरे से सेट कर लीजिए, इस तरह से ये हमने सेट कर लिया। नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, कंपनी का नाम हो गया, अब मैं रह गया है उसका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहां से हमने ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यहां से यहां तक ड्रॉप किया, साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया, नौका कर लिया और यहां पर अगर हम यहां पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो लाइन का गैप है वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट एंटर प्रेस ना करते हुए अगर हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो इतना गैप नहीं आएगा,
तो अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करें। ये हमने एड्रेस ले लिया, इस एड्रेस को और हम सेट कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं, यहां से सेंटर अलाइनमेंट से सेंटर कर लिया। अब इसको एक काम और करें, फॉर्मेट के अंदर शेप फिल के अंदर नो फिल करते हैं और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देते हैं और इसको इस तरह से सेट करते हैं कि ये बीच में दिखाई दे। तो ये देखिए यहां पर इसका एड्रेस भी हमने सेट कर लिया। अब यहां पर हम एक लोगो रखना चाहेंगे। लोगो के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि सर्किल लोगो किस तरह से बनाते हैं। तो हमने सेंसर्स कंप्यूटर का एक लोगो बनाया था, उसको हम यहां पर लेके आएंगे। तो वो लोगो हम कैसे लेके आएंगे, इनसाइड के अंदर पिक्चर पर जाएंगे। ये देखिए ये लोगो यहां पर है, इसको हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और इनसाइड पर क्लिक करेंगे तो ये लोगो यहां पर आ गया है। अब इस लोगो को हम यहां से फ्री करेंगे, तो फ्री करने के लिए जाना होगा यहां पर रैप टैक्स पर और यहां से कोई सा भी एक सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इस लोगो को इतना हम छोटा कर लें कि इस जगह पर ये आ जाए, यहां पर ये आ जाए। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इसके ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है व्हाइट, तो इस बैकग्राउंड को हटाना है। तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी बैकग्राउंड को हटाते हैं। तो यहां पर हम आपको फिर से बता दें कि किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड हटाना है तो हमें जाना होगा रिमूव बैकग्राउंड पर, यहां पर हम क्लिक करते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पिंक कलर का पूरा ये यहां फिल हो गया है। अगर अभी हम यहां पर कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड हट गया है, लेकिन हम जो चाहते थे वो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड भी इसमें हट गया है। तो हम चाहते हैं कि ये बीच में ऐसे ये जो सर्कल है इसका बैकग्राउंड ना हटे, तो वो हम कैसे करेंगे। हमने फिर से इसको जैसा था वैसे ही कर लिया और यहां पर रिमूव बैकग्राउंड पर फिर से क्लिक किया। अब अगर जिसका बैकग्राउंड हटाना है तो यहां माइनस पर क्लिक करेंगे, जिसका और जो एरिया बैकग्राउंड से नहीं हटाना है तो यहां प्लस पर इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर रेंज ले लेंगे कि कौन सा एरिया हटा नहीं हटाना है। इसको ले लिया, ये देखिए इतना एरिया हो गया और यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर कीप चेंजेस करेंगे तो ये देखिए जैसा हम चाहते थे वैसा यहां पर बैकग्राउंड हट गया है। तो इस तरह से ये पूरा एक विजिटिंग कार्ड बनके तैयार हो गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप घर पर ही ये प्रिंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।